नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है ब्रीडिंग टिप्स, यानी आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पक्षी पालने का काफ़ी शौक है और वो इस शौक को जो है बिजनेस के रूप में तब्दील करना चाहते हैं, यानी एक अच्छे ब्रीडर बनना चाहते हैं। तो ब्रीडिंग के लिए क्या क्या टिप्स होने चाहिए या किन किन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आपको पक्षी रखते हुए किसी प्रकार की ब्रीडिंग कराने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले पक्षी का चुनाव, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यानी आप फर्स्ट टाइम कोई पक्षी पाल रहे हो तो आप एकदम से कोई बड़ा पक्षी भी मत पाल लो, कि आपको उसको केयर और मेंटेनेंस में काफ़ी दिक्कत आए। इसलिए जो आपको अपने शौक की शुरुआत है, हमेशा छोटे पक्षी के साथ शुरुआत करनी चाहिए। और छोटे पक्षी में जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है बजरीगर, कॉकटेल, लव बर्ड्स, ये तीन ऐसे पक्षी हैं जिनकी देख रेख करना बहुत ही आसान होता है और इनकी ब्रीडिंग कराना भी बहुत ही आसान होता है। यदि एक बार आप इनके साथ हैबिचुअल हो गए, फिर आप जो है अपने नेक्स्ट स्टेप पे बड़े बर्ड्स जैसे जो है मकाऊ या फीजेंट्स, इन पर जो है आप ब्रीडिंग के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा जो छोटे पक्षी पालने का जो मेरा एक सुझाव है, जैसे बजरी है, कॉकटेल है या लव बर्ड्स है, छोटे पक्षियों की जो आप कह सकते हैं ब्रीडिंग एज, यानी अर्ली एज में स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। 6 से 8 महीने के अंदर ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, जबकि जो बड़े पक्षी हैं जैसे कॉकटेल वगैरह या अफ्रीकन ग्रे पैरट्स हैं, इन बड़े पक्षियों में जो सेक्सुअल मेच्योरिटी है 5 से 6 साल की एज में जा करके आती है। तो इतने साल जो है आप वेट करने में आप अपना टाइम व्यतीत मत कीजिए। आप जो अपने शौक की शुरुआत है अपने छोटे पक्षियों के साथ आप कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपको पक्षी पालने का अनुभव होगा फिर आप अपने शौक को जो है बड़े पक्षियों पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो भी पक्षी पालना है उसका हेल्थ चेकअप वेटनरी डॉक्टर के द्वारा कराएं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पक्षी पाल रहे हो। आपको बीमार पक्षी और स्वस्थ पक्षी में आपको शायद कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं, बर्ड्स को डॉक्टर के पास ले जाइए। दूसरा, जेंडर की पहचान होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर जो है ब्रीडिंग का काम करें उसके अंदर आपको मेल और फीमेल का आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको नहीं पहचान है तो डॉक्टर इस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता है, मेल और फीमेल आपको आइडेंटिफाई करके दे सकता है, ताकि आप जो ब्रीडिंग के लिए पेयर लगाएंगे उसका जो रिजल्ट आपको 100% सक्सेसफुल मिले। छोटे पक्षियों में जो है मेल फीमेल को पहचानना बड़ा आसान होता है, बड़े पक्षियों में जबकि क्या है, यदि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो उसके लिए जो है DNA सेक्सिंग मेथड है, बड़ा ईजिली कॉमन है। डॉक्टर्स आपके बर्ड्स के 2-3 फेदर्स लेकर के लैब के अंदर टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं, वहाँ से आइडेंटिफाई होकर ये कन्फर्मेशन आ जाता है कि आपने जो पक्षी पाला है वो मेल है या फीमेल है। आपको पक्षी की ब्रीडिंग से पहले आपको अपनी पक्षी की एज की सेक्सुअल मेच्योरिटी, किस एज में जाके सेक्सुअली मेच्योर होता है उसकी भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई बर्ड्स आपने परचेज किया है तो उसको सबसे पहले आप अपने डॉक्टर्स के पास ले जाए, उसका हेल्थ चेकअप करवाएं, क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती हैं, और डॉक्टर्स की निगरानी में यदि आप ये सब करेंगे तो आप इस तरह की बीमारियों से आप अपने पक्षियों को बचा सकते हैं, या हेल्थ चेकअप के द्वारा आप उसको उस पक्षी को अवॉइड कर सकते हैं और एक हेल्दी पक्षी का आप चुनाव कर सकते हैं। बर्ड्स की जेनेटिक डिटेल का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है, इनब्रीडिंग के यदि हम बेबी पालते हैं या इनब्रीडिंग के पक्षियों से हम आगे अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट करवाते हैं, तो इनब्रीडिंग के पक्षियों में जो है आपको रिजल्ट्स आपको काफ़ी अच्छे नहीं मिलेंगे। उनके अंदर ऑटोमेटिक जेनेटिक फॉल्ट पहले से ही होता है, और जो नेक्स्ट जनरेशन में वो जो फॉल्ट है वो काफ़ी उभर के आ जाता है। इसलिए हमेशा जो सोर्स है पक्षी खरीदने का वो एक ऑथेंटिक होना चाहिए, आउटब्रीडिंग के बच्चे आपको सेलेक्ट करने चाहिए, यदि विद सर्टिफिकेट के साथ अवेलेबल हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है। यानी मेल्स फीमेल्स के पर्टिकुलर अलग अलग पेपर्स होने चाहिए, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि आपने जो मेल और फीमेल चूज़ किए हैं उनका ब्लड रिलेशंस, यानी भाई बहन या इस तरह का ब्रदर सिस्टर का कोई रिलेशन या फादर डॉटर का कोई रिलेशन तो नहीं है। तो ये सब जो है आप उनके पेपर्स चेक कीजिए, पेपर्स में ऑटोमेटिक उसके सोर्स का आपको पता लग जाएगा कि बर्ड्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसके फादर मदर कौन है। उससे आपके जो नेक्स्ट जनरेशन जो होगी ब्रीडिंग में उसको जो आपको रिजल्ट जो है बेटर मिलेंगे। ब्रीडिंग के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जब एक ब्रीडर सेटअप कर रहे हैं, मतलब आपने एक बहुत बड़ा फार्म कर लिया ब्रीडिंग का, तो आपको किन किन इंस्ट्रूमेंट की आपको जरूरत पड़ सकती है या कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज है जो आपके अपने ब्रीडिंग फार्म के अंदर रखनी चाहिए। सबसे पहले जो आपके पास एक नॉर्मल केज और ब्रीडिंग केज, नॉर्मल केज और ब्रीडिंग केज में डिफरेंस होता है। ब्रीडिंग केज में जो है हमेशा 2 पार्टीशन होते हैं, उसके बीच में एक पार्टीशन होता है, एक में मेल होता है एक फीमेल होता है। जब पार्टिकुलर टाइम आता है तो आप उस बीच के पार्टीशन को खत्म कर दीजिए, ताकि आपके मेल और फीमेल्स की जो है मीटिंग हो सके, और मीटिंग के बाद आप उसको वापस से सक्सेसफुल मीटिंग होने के बाद आप वापस से मेल और फीमेल को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा, पिंजरे का साइज, जो ब्रीडिंग बॉक्स का साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ताकि मेल फीमेल को ब्रीडिंग करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, बर्ड्स जो है कंफर्टेबल रहे, किसी प्रकार के डिप्रेशन में ना आए। ब्रीडिंग केज जो होता है उसके अंदर आपका एक ब्रीडिंग बॉक्स का होना बहुत जरूरी है। जो ब्रीडिंग बॉक्स होता है वुडन का भी हो सकता है, क्योंकि वुडन
कुछ जानवर लाइट भी करते हैं, आप बॉक्स के ऊपर कलर भी कर सकते हैं क्योंकि जानवरों को कलर काफी पसंद होते हैं, उनमें अंडे देना प्रेफर करते हैं। और वुडन बॉक्स का जो शेप या साइज होता है जानवर की हाइट के हिसाब से जो है आप उसको चूज कीजिए, आपका पक्षी कितना बड़ा है उसके हिसाब से जो आपने ब्रीडिंग बॉक्स का जो है केज बनवाना चाहिए, आपके बर्ड्स का साइज क्या है उसी हिसाब से आपको ब्रीडिंग बॉक्स का जो चुनाव करना चाहिए। आपके सेटअप में जो इंक्यूबेटर होना बहुत जरूरी है। इंक्यूबेटर का क्या रोल होता है, कई बार क्या होता है आपके पक्षी ने अंडे दिए, अंडे देने के बाद क्या है कई बार पक्षी उन अंडों को रिफ्यूज करना शुरू कर देता है। यदि आपके पास इंक्यूबेटर की फैसिलिटी, इंक्यूबेटर की फैसिलिटी में क्या है तो आप उन एग्स को इंक्यूबेटर के अंदर रख करके उनमें से जो है बच्चे निकलवा सकते हैं। कई बार फर्स्ट टाइम जब कोई भी पक्षी अंडे देता है तो फर्स्ट टाइम में जो है पेरेंटल केयर उनके अंदर नहीं होती, उस परिस्थिति में भी आप अंडों को निकाल करके इंक्यूबेटर के अंदर रखे अंडों में से जो बच्चे आप इजिली निकाल सकते हैं। अंडों में से निकलने के बाद सपोज कि इंक्यूबेटर में से आपके अंडों में से बच्चे निकल गए, उस टाइम जो है उनको एक गर्म वातावरण चाहिए, एक हॉट एनवायरनमेंट चाहिए गर्म, क्योंकि छोटे बच्चे ठंडी जगह पर रहते, तो उसके लिए आपको ब्रूडर की जरूरत पड़ेगी। ब्रूडर में जो है आपका वेंटिलेशन, टेम्परेचर और मॉइस्चर, ये तीनों चीजें कंट्रोल होती है, उसमें जो छोटा बच्चा फर्स्ट डे से जो काफी अच्छे से जो है ग्रो करता है। दूसरा जो आपका ब्रूडर होता है, कई बार आपका कोई भी पक्षी बीमार हो जाता है क्योंकि बीमार पक्षी को गर्म जगह पे जितना आप जल्दी रहोगे उतना उसका इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज होगा और उतना आपका बर्ड शो कम्फर्टेबल रहेगा, तो ब्रूडर का प्रयोग जो बीमार पक्षी के रहने के लिए भी आप कर सकते हैं। ब्रूडर के अंदर जो है टेम्परेचर कंट्रोल और ह्यूमिडिटी कंट्रोल और एयर फिल्ट्रेशन की जो फैसिलिटी होती है जिसके द्वारा जो है बर्ड्स आपके जो काफी हेल्दी रहते हैं। आपके पास एक थर्मामीटर भी जरूर होना चाहिए ताकि आप अपने रूम का टेम्परेचर आप ले सके, कई बार यदि कोई पक्षी बीमार होता है तो आप पक्षी का भी टेम्परेचर आप उससे नोट कर सकते हैं। आपके पास एक हाइग्रोमीटर होना बहुत जरूरी है। हाइग्रोमीटर्स क्या होते हैं, आपके जो है ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए, ह्यूमिडिटी की कितनी क्वांटिटी आपके पास है, आपके बर्ड्स को कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, कम या ज्यादा है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास एक हाइग्रोमीटर होना चाहिए जो आपके रूम में होना चाहिए ताकि आप ह्यूमिडिटी का लेवल आप हमेशा देख सके। आपके पास एक एवियन स्केल होना चाहिए, यानी आपके पास जो बच्चे हुए हैं फर्स्ट डे से लेके सेकंड डे तक, डे बाय डे जब आपका बच्चा ग्रो करता है तो उसको वेट मेजरमेंट लेने के लिए आपके स्केल होना जरूरी है ताकि आपका बच्चा यदि डे बाय डे उसका वजन डाउन में जा रहा है तो आप उसको मेजरमेंट करके आप उसको एग्जामिन कर सके। यदि इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप अपने बच्चे को जो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं, उसका टाइम पर आप इलाज करा सकते हैं कि उसका जो डे बाय डे अचानक से जो वजन कम होना शुरू हो वो किन कारणों से हुआ है। आपके पास प्रॉपर जो फीड सप्लीमेंट्स होने चाहिए जो कि आपकी बर्ड्स की ग्रोथ के लिए काफी अच्छे होंगे। फीड सप्लीमेंट में कैल्शियम सप्लीमेंट, मल्टीपल विटामिन और अमीनो एसिड्स के जो कॉम्बिनेशन है आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ब्रीडिंग में इन सब चीजों की काफी जरूरत पड़ती है, क्योंकि बर्ड्स जब एग ले करता है तो बर्ड्स में जो ऑटोमेटिक कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, इसलिए कैल्शियम का भी होना बहुत जरूरी है जो उसके पीने के पानी में आप दे सकते हैं। आपके पास बर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लैग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए, यानी जितने भी बच्चे आपके होते हैं जो न्यू बॉर्न्स होते हैं आप उनके एक उसके पर्टिकुलर एक ब्रीडिंग के लिए उसके लैग्स में एक आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा बच्चा किस पेरेंट्स का और किस ग्रुप में और किस डेट हुआ है, तो लैग आइडेंटिफिकेशन के द्वारा आप उसको आप इजिली पहचान सकते हैं, ये होना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है जब भी आप कोई ब्रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ब्रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप एक लिस्ट आप चेक कर लीजिए कि आप जिन बर्ड्स की ब्रीडिंग करवा रहे हैं वो लीगली ब्रीड करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, उसके बाद ही जो आप बर्ड्स की लीगली आप बर्ड्स की जो है ब्रीडिंग करवा सकते हैं। यदि कोई ऐसा बर्ड्स है जो कि वाइल्ड लाइफ एक्ट में आता है तो आप उसकी ब्रीडिंग कभी भी नहीं करो। एक्सोटिक बर्ड्स की जो ब्रीडिंग है लीगली है, आप कोशिश कीजिए आप उन्हीं में से चुनाव कीजिए। आज जो मैंने वीडियो का टॉपिक चुना है कि आप यदि बर्ड्स की ब्रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।